मेरे पास अक्सर बहुत सारे भाई बहनों के मैसेज आते रहते हैं कि ज़िंदगी बहुत सारा दुख है, समझ नहीं आ रहा है, कहीं भाग जाने का मन करता है, कभी लगता कि अध्यात्म की ओर चले जाएं, फिर घर वालों को देखते, संसार को देखते तो एक आत्मग्लानि विचलता और कंफ्यूजन पैदा होती है, क्लियरिटी रहती नहीं कि करें क्या। हमेशा कहता हूँ कि मन को समझने का प्रयास करें, अंदर की दुनिया को समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों अगला प्रश्न सबके ही रहता है कि कैसे समझें, ऐसा क्या करें कि हमें अंदर की दुनिया समझ आए। एक बड़ी अच्छी चीज़ दोस्तों, बड़ी गहरी, जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए, अपने मन को समझने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि जो मैंने अभी तक जितने भी अध्यात्म के पद पर आगे बढ़ाऊँ उसमें इस चीज़ का बहुत ही विशेष योगदान रहा है, वो है दोस्तों तीन चीज़ हमेशा बोलता हूँ मैं, चिंतन, मनन, मंथन, समर्पण। लेकिन दोस्तों इसको अगर मैं थोड़ा सा और इजी भाषा में बताऊँ कि सब हम कैसे कर सकते हैं चिंतन, मनन, मंथन, वह दोस्तों अपनी ज़िंदगी का इतिहास। देखो आपकी उम्र हो चुकी होगी, 18 साल हो चुकी होगी, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, कितनी भी दोस्तों आपकी उम्र है, सोचो कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। हमेशा दोस्तों एक चीज़ बोलता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को सबसे बेहतर अगर आपको समझना है, देखो शास्त्र हैं, भेद है, उपनिषद है, गीता है, वे ठीक हैं, लेकिन इससे दोस्तों अगर बड़ी चीज़ मैं कहूँगा जो आपके 24 घंटे आपके पास अवेलेबल रहती है, वह दोस्तों आपका खुद का ज़िंदगी का इतिहास, जो अब तक आपने ज़िंदगी जी है। आप अपनी ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करो, देखो दोस्तों पीछे मुड़ कर एक बार ज़िंदगी को डीपली इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, आपको कितनी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आम इंसान कितनी सारी गलतियां ज़िंदगी में करता है, लेकिन दोस्तों बेहोशी में ना ज़िंदगी बीतती रहती है, वक्त गुजरता रहता है। ईमानदारी से खुद हमेशा देखो एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो खेत है ना, यहाँ पर आता हूँ मैं जब गांव में होता हूँ, कहीं भी हूँ वैसे मैं खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालता हूँ। उस वक्त करता क्या हूँ मैं, देखता हूँ कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एक महीना गुजर गया, एक महीना पहले कैसे था मैं, एक साल पहले, दो साल, तीन साल, चार साल, ऐसे हर बार इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि कैसे ज़िंदगी बदल रही है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। खुद की ज़िंदगी को पढ़ना शुरू करें दोस्तों, खुद के साथ टाइम गुजारें, देखें एक बार पीछे मुड़कर ये कैसे कैसे मेरी ज़िंदगी चल रही है, क्या मायने मेरी ज़िंदगी के बदल रहे हैं, क्या क्या घटित हो रहा है दोस्तों। होनेस्टली देखो ईमानदारी इसमें होनी चाहिए, ईमानदारी से जो सही है उसको वैसे स्वीकार करो, जो गलत है उसको वैसे स्वीकार करो। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ा सूत्र यही है कि अपनी ज़िंदगी के इतिहास को देखना शुरू करें, उसको निचोड़ना शुरू करें, आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा। मेरे को हमेशा मिलता है दोस्तों, है ना, पिछले 5-10 सालों को जब मैं देखता हूँ, खासकर पिछले 7 सालों से जब से मैं इस रास्ते पर आया हूँ, अध्यात्म के रास्ते पर आया हूँ, उससे पहले चलो एक आम ज़िंदगी ही चल रही थी, ऐसा कुछ अलग विचार नहीं थे, लेकिन जब से भीतर एक अध्यात्म का अंकुर पैदा हुआ, जब से भीतर एक वो रोशनी की और कदम बढ़ने शुरू हुए हैं, तो बहुत कुछ समझ आता है। तो हमेशा दोस्तों खुद के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपनी ज़िंदगी के इतिहास को पढ़ें कि कैसे अंदर की दुनिया बदलती है, कैसे ज़िंदगी में क्या हुआ और मैं कैसे बदला, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इससे दोस्तों ना होगा क्या, आपको मन काम कैसे करता है, कैसे ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं, एक हल्कापन आएगा और मन को समझने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पर हमेशा टहलता रहता हूँ, हर वीडियो में ये बात बताता हूँ मैं, और ऐसे कुछ इंसाइट्स आते हैं तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, प्रणाम।